ये तो तुझे बता गांव कैसा लगा? गांव गांव कैसा लगता है? गांव जैसे सही बात है, सिटी तो लगने से रहा, पर पता है मैं कहाँ हूँ? मेरे को खुद की भी उम्मीद नहीं थी और आप तो कर ही नहीं सकते। वो मैं हूँ मेरे गांव, मतलब जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर, और ये प्लान अचानक ही बना भाई साहब। लेकिन मजा आ गया यहाँ के, सुकून सा अच्छा सा लग रहा है। स्टोरी पे लिखना कि मोनू का गांव। हाँ। नहीं मोनू, सॉरी मोनू को ही नहीं जानते, प्रमोद का गांव डाल दे अभी डाल। भाई ये फोटो मैंने खींची है इसकी, मेरे गाँव की पहली फोटो है इसकी। ये बोल रहा है भाई स्टोरी पे डाल के बताऊँ कि मोनू का गाँव है। डाल अभी डाल, अच्छी नहीं याद वापस गिर दूंगा। ये बोल रहा है भाई सूरज को ऊपर निकला, सूरज होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और भाई साहब टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, जैसे ही हाल देख सकते हैं कि हाँ भाई मैं नीना के जा रहा हूँ आज मेरी क्लासेस लेने। तो आपको जैसे कल वाले ब्लॉग में बता ही दिया था कि हाँ फर्स्ट एड की जो क्लासेस वगैरह चल रही, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, वो मेरा टाइम है 8:30 का, और अभी हो रहे हैं 7:30, और मेरे को पहुँचने में वहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि दूर है। और मौसम भाई साहब इतना सुहाना, इतना शानदार, इतना गजब, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मज़ा आ रहा है भाई साहब। अगर इस टाइम मेरा अगर कॉलेज होता और मेरे दोस्त होते तो भाई डेफिनेटली हम क्लास बंक करके कहीं घूमने जाते, बट ऐसा कुछ है नहीं, छुट्टियाँ चल रही है तो वो अपने अपने घर है। और मेरे को फ्री नहीं रहना था, फर्स्ट एड का कोर्स करना था, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। और ये कोर्स भी ज़्यादा दिन का नहीं है, 10 दिन का ही है, जिसमें से आज दूसरा दिन है, ठीक है। तो अब सीधा वहीं चलते हैं, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर का नहीं होता, 3-4 घंटे का ही होता है, उसमें क्लासेस वगैरह होती है, वो बताऊँगा आपको आज क्या क्या करते हैं वहाँ पर, क्या क्या सिखाते हैं। तो चलते हैं वहाँ पर आज। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं रेड क्रॉस सोसाइटी, यहीं पर अपना फर्स्ट एड का कोर्स चल रहा है, तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों फाइनली भाई मैं आ गया अपने प्यारे कमरे पर, और आते आते मेरे को हो गया 12, मतलब 12 से ज़्यादा हो गया। और सुबह तो भाई इतना प्यारा मौसम था जिसकी हद नहीं, और अब धूप दिखा दूँ आपको कितनी भयंकर धूप हो रखी है भाई साहब, हालत ख़राब है। सुबह अच्छा था, मौसम प्यारा था, ठीक है। और इसके अलावा भाई हमें वहाँ पे आज CPR के बारे में बताया गया था, अगर आप इमरजेंसी केस में CPR कैसे दे सकते हैं, बच्चों में कैसे दे सकते हैं, बड़ों में कैसे दे सकते हैं, ये वैसे हमें कॉलेज में पहले बता दिया गया था, मेरे पहले वाली क्लासों में, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में बता दिया था CPR ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। वही आज सेम चीज़ें यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट में बताया गया कि हाँ भाई CPR किस टाइप से देते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं, और आप किस प्रकार उनकी जान बचा सकते हैं। तो अच्छी थी क्लास, बहुत अच्छा लगा, नई चीज़ें भी सीखने को मिली, नए दोस्त भी बने, नए लोग भी मिले। अब लगने लग गई भूख, तो मैं खाता हूँ खाना, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो प्रभु टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम बता, जल्दी बता। 7, मतलब 7:45। और पता है मैं कहाँ हूँ? मेरे को खुद की भी उम्मीद नहीं थी और आप तो कर ही नहीं सकते। वो मैं हूँ मेरे गांव, मतलब जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर, और ये प्लान अचानक ही बना भाई साहब। लेकिन मज़ा आ गया यहाँ के, सुकून सा अच्छा सा लग रहा है। एक बार पीछे नज़ारा देख लो आप गांव का, मेरा गांव है भाई साहब, ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। लेकिन अफसोस घर नहीं है, घर दूर है थोड़ा, ये गाँव का जो मेरा है आउट एरिया है। किसी काम से आए थे किसी के साथ, तो मेरे को बोला वो, क्योंकि वो इस गाँव का, वो भी इसी गाँव का ही है, किसी काम से आना था, बोला पूछ लिया मेरे से कि चल रहा है क्या। मैं बोला कि भाई चलो भाई, गांव के लिए कौन मना करेगा, गांव किसको पसंद नहीं होता। तो मैं चल रहा था भाई, इसको भी लिया है मेरे दोस्त को भी, चल भाई तेरे को मेरा गांव दिखा लाऊं। तो मज़ा आ रहा है भाई साहब, एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, आस पास खेत, पीछे डूंगर, गाय, गाँव के लोग, फाटे वाले, ऐसे ऐसे लोग, इधर खेत, और ऊपर से शाम का मौसम है, सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब सूरज भगवान अस्त हो रहे हैं अपने। और भाई शाम के समय तो गांव, तो गांव ही लगता है भाई मेरा। और आगे चल के इधर मेरा खेत है, और इधर जाके मेन गांव है।
पीछे आंटी जी बोल रही है भाई साइड में हट जाओ, क्योंकि उनकी भैंसें हैं ना वो इंसानों से डरती है। हम मेन सड़क पे खड़े हैं ना, तो बोल रही है हमको कि मतलब भैंसों को क्या डर लगता है, तो थोड़ा साइड में हो जाओ, चल जाओ, ताकि मेरी भैंसें घर चली जाए। भाई यहाँ पे आके इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है, जबकि कुछ है नहीं, मजा आ रहा है भाई साहब। बचपन की यादें ताजा हो गई। आगे चल के इधर मेरा खेत है, खेत में जाते थे भाई दादी के साथ, मम्मी के साथ बचपन के अंदर, अब तो नहीं। मजा आ गया भाई यहाँ पे आके। यहाँ कुछ फंक्शन है, यहाँ पे आए थे, तो जिसके साथ आए थे वो तो यहाँ अंदर है, मैं और ये बाहर उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ से वो आए तो सोच रहा हूँ भाई मेरे घर, मतलब जो ये डूंगर है इसके जस्ट आगे मेरा घर है, तो अगर टाइम बच गया तो भाई मैं घर जाके आऊँगा अपने। बाकी तो फिर जयपुर रवानगी, हो गया काम, जिस काम से आए थे वो काम हो गया। ये तो तुझे बता गांव कैसा लगा? कैसा लगता है गाँव जैसे? सही बात है, सिटी तो लगने से रहा, गाँव गाँव जैसा। मतलब तू जितने भी गाँव गया है, सुंदर के कौन सा लगा, किसका लगा? मेरे दोस्तों में सबसे तू सबके घर पे गया है, तो घर पे क्या गाँव गया है, तो किसका सुंदर लगा ज्यादा? जी सही लग रहा है, बताना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, ये मेरे को क्या भी थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि हमारी फ्रेंड सर्कल में औरों के भी गाँव गया था, एंड भाई इतने उजाड़ से, इतने खराब से, इसका मन नहीं करता था, तो बोला कि तेरा गांव तो उनसे अच्छा है, मतलब तारीफ भी नहीं करा, नो बोला कि यहाँ पर तेरा गांव से उससे अच्छा है, तो बढ़िया है भाई। अभी तक इसने पूरे अच्छे से देखा भी नहीं भाई, अच्छे से घूमेगा, इधर किसी हट आगे जाएगा, इतनी सुंदर सुंदर जगह है, इतने प्यारे प्यारी 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 जगह है, खेत वगैरह, ग्राउंड वगैरह। अरे वो होते ना राजस्थान, वो टीले होते हैं रेगिस्तान के, आगे चल के रेगिस्तान के टीले भी हैं, अरे बहुत सुंदर है। किसी दिन फुर्सत में आऊँगा ना, फिर अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा इसका। डाल अच्छी नहीं याद, वापस गिर दूंगा। ये बोल रहा है भाई, सूरज को ऊपर लिख ला, सूरज चाहिए, तेरे जिम्मेदारी है, तेरे गाँव में। कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है भाई साहब, जो है उससे काम चला ले। और भाई साहब इनके जो मेहमान वगैरह है वो आ रहे हैं, और अपन चलते हैं। फाइनली भाई अपन आ चुके हैं अपने घर पर, और भाई क्या ही बोलूँ, आज का दिन तो अजीब ही था, मतलब उम्मीद ही नहीं था, उससे भी परे चीज़ें हो गई आज, क्योंकि एक पल में घर था और एक पल में अचानक भाई गांव चला गया। जहाँ से जयपुर से मेरा गांव कम से कम 80 किलोमीटर दूर है, और अचानक प्लान बना और अचानक चले गए भाई साहब। लेकिन मज़ा बहुत आया वहाँ पे भाई, मतलब ये होता ना कि तुम काफ़ी दिनों से कुछ कर रहे हो और तुम्हें मतलब फ्रेश होना है अच्छे से, तो भाई आज वहाँ गया मैं, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ अंदर से, मतलब आने का मन नहीं हो रहा था। ऊपर से मौसम भाई बारिश का, बारिश हो रही थी वहाँ पे, मौसम 3 दिन से वैसे जयपुर में बारिश हो रही है और 3 दिन और होगी, तो मज़ा आ गया भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म, जाते जाते आप भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और याद से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही ब्लॉग में।